हेलो, आपका स्वागत है एस्ट्रो फोटोग्राफी गुरु में और मैं हूं आपका गुरु एस्ट्रो फोटोग्राफी का। तो आज की वीडियो में हम अपने मिनी पीसी को अपग्रेड करने वाले हैं। एस्ट्रो फोटोग्राफी में मिनी पीसी बहुत ही हेल्पफुल टूल होता है और मैं इसे ऐसा बनाना चाहता हूं जिससे इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान हो और हमारा टाइम बचे, केबल मैनेजमेंट सुधरे। तो आइए करते हैं। तो मेरे पास एक आइडिया आया है, मेरे पास एक लैपटॉप का पुराना बॉक्स है, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर का सारा माल मैंने निकाल दिया है मतलब जो भी फॉर्म आया था और गत्ते आए थे, तो इसके अंदर हम मिनी पीसी रखेंगे। चिंता मत करिए, ये अभी देखने में काफ़ी सिंपल लग रहा है लेकिन धीरे धीरे ये काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो हमारा मिनी पीसी लुढ़के ना और सेफ रहे, उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्म लगा रहे हैं। और अब हम क्या करने वाले हैं, इसे हमें हीट को निकालना होगा बाहर या अंदर, हवा देनी होगी। तो यहाँ से मिनी पीसी हीट निकालता है, तो हम यहाँ पर फैन लगाने वाले हैं ठीक इसके पीछे, जिससे कूलिंग बनी रहेगी अंदर। ओके, तो मैंने यहाँ पर छेद कर दिया है ताकि हम यहाँ पर अपना फ़ैन को लगा सके और अब ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर सेट हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, अभी तो ऐसी टेम्पलरी है, मैं इसे अच्छे से चिपका डालूँगा। और ये देखिए, इसकी वायर है, मैंने वायर कट करके इसे डायरेक्ट USB से बनाने वाला हूँ। और उसके बाद ये देख सकते हैं, कुछ ऐसा लग रहा है फ़ैन लग चुका है परमानेंट। और देख सकते हैं अंदर एक वेलक्रो लगाया है हमने ताकि मिनी पीसी अंदर डोले ना, लुढ़के ना। और USB कनेक्शन भी हो चुका है, तो देख सकते हैं धीरे धीरे इसमें सुधार आ रहा है। ये वायर सीधा USB से जुड़ जाएगी, हमारा पंखा चालू हो जाएगा। ओके, तो देख सकते हो भाई क्या ट्रांसफॉर्म कर दिया है हमने पूरा। और ये है उसकी पावर वायर और फैन, और इस छेद में से जाएगा इनपुट्स। तो आइए इसे खोल के दिखाता हूँ मैं आपको, सब कुछ काफ़ी बेटर तरीके से हमने सेट कर दिया है। और ये जो सील्ड है ये धूप में बहुत काम आएगी, जिससे पीसी अंदर कम गर्मी पहुँचेगी क्योंकि सारी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी सनलाइट। और देख सकते हो यहाँ पर पावर सप्लाई है, सीधा बाहर चली गई है स्पंज। और देख सकते हो ये कंसोल का कंट्रोलर है, मिनी पीसी यहाँ पे सेट है, अपनी जगह से नहीं हिलने वाला वेलक्रो से, और यहाँ से फैन पावर लेगा। और ये देख सकते हो पावर कनेक्टेड है, मतलब पूरी तरीके से अब ये मतलब इजी टू कैरी बन सकता है, मतलब इजी टू कैरी पीसी बन चुका है, मतलब एक अलग ही तरह का, इसे मैं केस कंप्यूटर बोलना चाहूँगा। ये मिनी पीसी से केस कंप्यूटर बन चुका है, बस यहाँ से हमें इनपुट डालना है, काम हो जाएगा। वैसे इसमें और भी कुछ अपग्रेड पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर एक मिनी सा डिस्प्ले लगा दो तो फिर तो ये छोटा सा लैपटॉप या कंप्यूटर ही बन जाएगा, लैपटॉप कंप्यूटर बोल सकते हो अगर मैं यहाँ पर ऊपर डिस्प्ले लगा दूँ छोटा सा, क्योंकि इसमें आउटपुट तो हैं, HDMI के तो नहीं है, यहाँ पर डिस्प्ले पोर्ट के ज़रूर हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये अपग्रेड। अब हमें क्या करना है, बस ये बक्सा ले जाना है और हमारे पास PC तैयार है। ऊपर डस्ट से बचा रहेगा, धूप से बचा रहेगा, बारिश से बचा रहेगा, और चोरों की तो इस पर नज़र ही नहीं जाएगी, और चोर तो समझ ही नहीं पाएगा कि ये क्या है, वो तो कुछ देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि लैपटॉप चोर समझ सकता है कि हाँ ये लैपटॉप है, लेकिन ये बक्सा उसके लिए एक नॉर्मल सा बक्सा होगा। तो बहुत ही तगड़ा अपडेट है। अब मैं इसे कनेक्ट करता हूँ हमारे पावरफुल टेलीस्कोप से, चलिए करते हैं। तो ये है वाईफाई मॉड्यूल, पावर कॉर्ड कनेक्टेड कर दी गई है वहाँ पर, तो पहले इस वाईफाई को जोड़ लेते हैं यहाँ से। ओके, तो सारी वायर इंसर्ट कर दी गई है और जो पोर्ट जहाँ पे लगेगा उसे वहीं पर लगना चाहिए, आपको चेंज नहीं करना चाहिए ये वाला। पहले PC को ऑन करते हैं, तो PC ऑन हो चुका है, PC को पहले ऑन करना ज़रूरी है। डिस्प्ले की हमें टेंशन नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वायरलेस डिस्प्ले ट्रांसमिट करता रहेगा, तो डिस्प्ले के बिना भी ये चल रहा है इसका मतलब। तो चलिए अब मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। और बीच वाले में है हमारा वाईफाई, तो ये लग गया वाईफाई। और ये वाला है ऑटो गाइडिंग के लिए, ऑटो गाइडिंग के लिए यहाँ पर। तो सारे पोर्ट अपनी जगह पे सेट कर दिए गए हैं, देख सकते हो केबल एक और काम अनेक।
और फैन देख सकते हो, फैन भी स्टार्ट हो चुका है, अंदर हवा काफ़ी आ रही है। तो अब मेरा काम यहाँ पे ख़त्म होता है, हमें क्या करना है बस इसे बंद कर देना है। There is. Okay, तो हम लैपटॉप में आ चुके हैं और हमने एप्लीकेशन को ऑन कर लेते हैं। टीम व्यूवर है हमारा लैपटॉप, यहाँ पे शो कर गया है। कनेक्ट करते हैं, ऑथेंटिकेटिंग, देर इज, ये आ गई है लॉक स्क्रीन कंप्यूटर की। और हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होता है, हमें बस पासवर्ड डालना है। तो दे सकते हो हमने एक्सेस कर लिया है कंप्यूटर की लॉक स्क्रीन को, और दे सकते हो सारे सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं। तो ऐसे कंट्रोल होता है ये कंप्यूटर। और चलिए अब मैं सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करता हूँ। तो मिनी कैमरा शो कर रहा है, मिनी कैमरा से हम कनेक्टेड हो गए हैं। टेलीस्कोप से भी हम कनेक्टेड हो गए हैं, बिल्कुल हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। पार्क टू पोजीशन में है और ट्रैकिंग ऑन कर दी गई है। तो ऐसे होता है पूरा टेलीस्कोप कंट्रोल। देख सकते हो लैपटॉप फ्री है, टेलीस्कोप में कुछ भी नहीं जा रहा है सिवाय एक पावर वायर है, और बस दो केबल निकल रही हैं कंप्यूटर से जो अंदर जा रही हैं, हमारा मिनी कंप्यूटर। तो मैं इसे कुछ और कहूँगा, हैकिंग है कंप्यूटर, एक तरह के केस में आते हैं ये, कुछ केस टाइप जैसा कंप्यूटर बन चुका है, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। फ़ैन अपना काम पूरी तरीके से कर रहा है, तो आइए टेलीस्कोप को चलाते हैं। ये आ गया है हमारा कंसोल, देखो इट्स रनिंग। तो ऐसे सेटअप करते हैं मिनी पीसी का, जिसे हमने और भी ज़्यादा अपग्रेड कर दिया है। सिंपल चीज़ है, देख सकते हो भाई, उम्मीद करता हूँ को ये पसंद आया होगा और आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा। तो एस्ट्रो डायनेमिक्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और एस्ट्रो फोटोग्राफी गुरु को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सब देखने का नॉलेज और सब देखने को ये सब आपको यहीं पे मिलने वाला है, ओनली ऑन एस्ट्रो इंडियन एक्सपर्ट।